ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35। पी स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35। इस क्वेश्चन में तो दोनों ही साइन माइनस है, यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर नहीं है, तो ये इजी होगा। बस साइन पर जरा ध्यान देना है आपको। साइन जो है यहाँ पर देखो, अगर स्टार्टिंग में माइनस साइन आता है, दो साइन होती है, एक माइनस है, तो लास्ट का साइन जो है चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। इस क्वेश्चन में दोनों ही साइन माइनस है और कोई भी पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा वेटेज में हल्का हो गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन पहले आ गए, तो थोड़ा सा साइन पर एक नजर मारते हैं। ओके, साइन जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस साइन पहले था तो नो चेंज हुआ, बट यहाँ पर माइनस पहले आ गया है, इवन दोनों ही माइनस आया है, उस कंडीशन में लास्ट साइन हमारी प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह इसे सॉल्व करना है। लास्ट टर्म को 35 को ऊपर लिख देंगे, माइनस 2y नीचे, फर्स्ट साइन अगर माइनस है तो लास्ट साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देन अब हमें क्या करना है, सर्च करना है ऐसा टेबल जो माइनस करने पर 2 दे, माइनस 2 दे और मल्टीप्लाई करने पर 35। तो वो टेबल है 7 5 35। 7 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस 2 आएगा। 7 इसलिए पहले लिखा बिकॉज हमें नेगेटिव में चाहिए, तो बड़ा नंबर पहले लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सेम एज इट इज, देन इस टर्म को स्प्लिट कर देंगे माइनस 7 प्लस 7 में, माइनस 7p प्लस 5p, दोनों की पेयर बना लेंगे। इन दोनों ही टर्म में जो कॉमन टर्म है वो है p बाहर ले लिया, p बाहर चला गया, पी स्क्वायर में से 1p बचा, माइनस 7 वैसा ही, p बाहर गया तो यहाँ पर p नहीं बचेगा। देन दोनों ही टर्म्स में 5 का टेबल कॉमन है, मैंने प्लस साइन बाहर लिया है तो अंदर कोई भी साइन का जो है चेंज नहीं आने वाला है, अगर आप माइनस बाहर लेते हो तो ही आता है। सो माइनस 7 5 35, 5 के टेबल में 35 7 नंबर पर आता है। हमारी दोनों ही ब्रैकेट सेम बनी, मतलब हम करेक्ट पाथ पर हैं। सो जो कॉमन ब्रैकेट है उसे एक बार लिख देंगे, या दो नो सेम है इसलिए एक बार लिख देंगे। देन रिमेनिंग टर्म जो है पी और प्लस 5p, उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, p प्लस 5। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव साइन पहले बाद में प्लस है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बिकॉज हाँ, अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आपका अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 8 नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं इन क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाऊं। अगर हम ज्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर नाइन है 3x² प्लस 14x प्लस 15। 3x² प्लस 14x प्लस 15, सेम बिल्कुल उसी तरह से हमें सॉल्व करना है।
लाइक क्वेश्चन नंबर 4 किया था, पहले जो है कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 15 = 45 + + + + 40। ओके, मल्टीप्लाई करने पर 45 मिलना चाहिए और उन्हें ऐड करने पर 14, ऐसा टेबल कौन सा है? या हम जो है इसे फैक्टराइज करके भी जो है हमारा टेबल को फाइंड कर सकते हैं। लाइक इस 45 का फैक्टर होगा, ये था 3 × 5 = 15, सो 3 × 3 = 9 और 5 आ गया। 9 और 5 को प्लस करने पर जो है 14 मिलता है, सो 9 × 5 = 45 और इनको प्लस करने पर 14 होता है। सो आप जो है नंबर का फैक्टराइज करके भी अपना उसे सर्च कर सकते हो टेबल को, बहुत ही इजी हो जाता है। 3x² + 14x + 15, देन नेक्स्ट स्टेप 3x² सेम एज इट इज, 14 आउट, उसके बदले में 9 + 5 = 9x + 5x, सॉरी 5x + 15। दोनों दो दो नंबर्स की पेयर बना लेनी है, इन दोनों में जो है x और 3 का टेबल कॉमन है, 3 बाहर और एक x बाहर, सो 3 चला गया बाहर तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एंड 2x² में से एक x बाहर चला गया तो सिर्फ x, प्लस x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, 3 × 3 = 9। ये दो टर्म्स में जो है 5 का टेबल कॉमन है, प्लस का साइन सेम एज इट इज, 5 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 5 के टेबल में 15 जो है 3 नंबर पर आता है, 5 × 3 = 15, देन हमारा ब्रैकेट सेम बना। सेम ब्रैकेट बनने की वजह से उसे एक बार लिखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स लाइक 3x और 5x, 5 सेम एज इट इज। आई होप समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। सो इन सब में से एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, 11 नंबर, 20x² - 26x + 8। सो माई क्वेश्चन इज 20x² - 26x + 8। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी लग रहा है, थोड़ा इसे हल्का कर देंगे। लाइक इसमें कोई टेबल कॉमन है, अगर कॉमन है तो उसे आउटसाइड ले लेते हैं। सो इसमें जो है 2 का टेबल कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं। 2 के टेबल में 20 10 नंबर पर आता है, x² - 26 नहीं आता है, बट इसे अगर हम डिवाइड करके देखते हैं 2 से, 26 upon 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, सो 13 बचा, 13x प्लस 2 के टेबल में 8 जो है आता है 4 नंबर पर, 2 × 4 = 8। देन अभी हमें जो है फैक्टराइज करना है इस ब्रैकेट का, यानी इस तरह से ये मेथड से सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन। अब हमें सर्च करना है, पहले हम क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 10 × 4 = 40, देन -13 नीचे, अब यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन है। जैसे कि हम जानते हैं अगर स्टार्टिंग में माइनस साइन आता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट साइन को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस था, हमने क्या ले लिया उसके बदले में, माइनस माइनस। अब हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो मल्टीप्लाई करने पर 40 दे और उन्हें ऐड करने पर 13, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा ब्रेन लगाना हैवी लग रहा है, तो हम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर का ट्रिक लगाते हैं। 5 × 10 × 4 है, ठीक है, देन 4 × 8 हो गया और ये 5 × 8 = 40 होता है, 5 एंड 8 को प्लस करेंगे तो 13 आता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन तो है ही है, दिमाग से सर्च करना है कि वो टेबल कौन सा है जो मल्टीप्लाई करने पर 40 दे और उन्हें ऐड करने पर 13, 5 × 8 = 40 होता है, देन 5 × 8। अगर आपके साइन दोनों ही सेम है तो उस कंडीशन में टेंशन नहीं रहता है कि कौन सा नंबर को पहले लिखे, ठीक है। अगर दो साइन जब अलग होती है
तब उस सिचुएशन में आपको दिमाग का जरा इस्तेमाल करना है कि कौन सा नंबर पहले निकले। नेक्स्ट स्टेप टू, आप दो ब्रैकेट लिख लेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे और एक जो है सर्कल वाला हमारा ब्रैकेट ले लेंगे, बिकॉज अभी दो ब्रैकेट और बनने वाला है इसलिए। सो दो दो नंबर्स की पेयर बना लेंगे। ओके, पहले जो हम 13 को रिप्लेस करेंगे -5 एंड -18, 8 से 10x² -5x -8x +4। क्या किया हमने, -13 को रिप्लेस कर दिया इससे, देन ब्रैकेट क्लोज, 2 ब्रैकेट ओपन। अब क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स की जो है पेयर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, देन और क्या करने वाले, इनमें जो है कॉमन टर्म जो है उसे बाहर ले लेंगे। क्या कॉमन है, 5 का टेबल कॉमन है और x, 5 का टेबल और x, 5 के टेबल में x आता है 2 नंबर पर और एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो एक बचा, -5 ऑलरेडी जा चुका है और x भी ऑलरेडी जा चुका है तो 1 बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 ले लेंगे, माइनस ये दोनों में जो है सिर्फ 4 का टेबल कॉमन है, 4 बाहर आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म 4 2 8 2, जब आप माइनस का साइन बाहर लेते हो तो इनसाइड जो भी साइन होती है उसे चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। नाउ दोनों ब्रैकेट अगर सेम बना है उस कंडीशन में करेक्ट हो उसे एक बार लिख देंगे, 2 5x, सॉरी जो कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, 2x माइनस 1, रिमेनिंग टर्म को दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 5x माइनस 4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है, या तो आप इसे इतना ही स्टॉप कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो, सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो। आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, 2 × 2x - 1 × 5x - 4। आई होप समझ में आया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी डिफिकल्टी राइट इन अ कमेंट बॉक्स। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।